आज हम खाली राइस बैग का यूज करके अपने टेबल के लिए टेबल रनर बनाएंगे। टेबल रनर बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल के टॉप की लेंथ ले लेंगे। तो देखिए, जैसे इस टेबल की हमें रनर बनाना है तो हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। यह है 48 इंच। विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 48 इंच में हमें टेबल की दोनों साइडों में थोड़ा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जो साइडों की तरफ लटक जाएगा नीचे की साइड। तो जितना भी आपको नीचे साइड में लटकाना है तो उतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं टेबल की जो लेंथ आई है उसमें दोनों साइडों में 9 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। 9 इंच इस तरफ से और 9 इंच इस तरफ से एक्स्ट्रा रखूंगी कपड़े में। तो ये हो गया 18 इंच। तो हम 48 में 18 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 66 इंच। तो देखिए, सबसे पहले मैंने राइस बैग में से एक 66 इंच का लेंथ का इस तरह से एक पीस कट कर लिया है। इस तरह से लंबाई में थोड़ा ये कम पड़ रहा था तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिया है। और विड्थ है इसकी 15 इंच। विड्थ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए, सेम साइज का मैंने एक पुरानी बेडशीट में से कपड़ा कट किया है। देखिए इस तरह से, अब देखिए इसे हम एक साइड रख देंगे। लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लिया हमने। अब देखिए ये खुली साइड से हम इसे फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब देखिए खुली साइड है, ये बंद साइड है। तो खुली साइड से इस तरह यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया हमने। अब इसे इस तरह रखेंगे यहाँ से इस तरह से, और तिरछा निशान लगा लेंगे। देखिए तिरछा निशान लगा लिया हमने। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट कर लिया हमने, अब इसे एक साइड रख देते हैं। देखिए, मुझे अपने सोफे के कवर की मैचिंग टेबल रनर बनाना था तो मेरे पास देखिए इस तरह से सूट में से थोड़ा कपड़ा बचा हुआ था जो मेरे सोफे के कवर के बिल्कुल मैचिंग है। तो मैंने इन्हें जोड़कर, देखिए इस तरह जोड़कर एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। और देखिए लाइनिंग का कपड़ा है, इसे भी मैंने जोड़ लगाकर लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है दो। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमारी जो टेबल की टोटल लेंथ आ रही थी वो आ रही थी 66 इंच। तो मैंने इसे 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है इस कपड़े को। तो ये मैंने 70 इंच लंबाई रखी है इसकी पूरी, और विड्थ है इसकी 11 इंच। देखिए इसी लंबाई की मैंने दो लंबी पट्टियाँ कट की हैं और विड्थ है इनकी 4 इंच। अब सबसे पहले हम एक पट्टी लेंगे, देखिए इसे इस तरह रखेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह जोड़ते जाएंगे इसे। देखिए इस तरह इसे पूरी लंबाई में इस तरह सिलाई से जोड़ लेंगे। देखिए दूसरी पट्टी लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे और इस तरह सिलाई लगाकर इसे भी लंबाई में इस कपड़े पे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों को हमने दोनों साइडों में जोड़ दिया है, इस तरह से पूरी लंबाई में जोड़ दिया है। अब देखिए सबसे पहले इसके दोनों सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगा लिया दोनों साइडों में, सेंटर में इसे एक साइड रखते हैं। देखिए इसी तरह इसका भी सेंटर करेंगे इस तरह से, इसके सेंटर में भी कट लगा लेंगे। एक कट इस साइड से और एक कट इस साइड से, सेंटर में कट लगा ली दोनों में। इसे भी एक साइड रखते हैं। अब इसे लेंगे, अब इसका भी सेंटर करेंगे इस तरह से, इसका भी सेंटर कर लिया। अब इसके सेंटर में भी इस तरह कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इसके भी सेंटर में कट लगा लिया। अब सबसे पहले इस कपड़े को इस तरह से उल्टा बिछाएंगे, इस तरह उल्टा रखेंगे। ये देखिए इसका सेंटर है, ये हम निशान लगाए थे यहाँ पे। अब इसे रखेंगे इस तरह, देखिए यहाँ पे भी सेंटर में हमने निशान लगाया था तो इसका सेंटर इसमें रखेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इसमें हमने राइस बैग से इस तरह से 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है दोनों साइडों से। अब देखिए बेडशीट कपड़ा लेंगे, इसका भी जो कट के निशान, जो इसके भी सेंटर में हमने कट के निशान लगाए थे इसे इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। देखिए तीनों का सेंटर हमने इस तरह मिला लिया है इस तरह से। अब देखिए सुई धागा लेंगे और इसके चारों तरफ हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे ये खिसकेंगे नहीं। तो कच्ची सिलाई कर लेते हैं पहले हम इसमें। बड़े बड़े टांके लगा लेंगे,
और अगर आपके पास पिन है तो इस तरह पिन अप कर लेंगे चारों तरफ से। देखिए इसके चारों तरफ हमने कच्ची सिलाई कर ली है, देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले इसे लेंगे हम, इसे इसके बराबर कट करेंगे इस तरह से। इस साइड से भी कट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने कट कर लिया, दोनों साइडों से हमने एक एक इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है दोनों तरफ से। इसी तरह यहाँ से भी वन वन इंच निशान लगा लेंगे इस तरह। इसे भी कट कर लेंगे। इस साइड भी वन वन इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से कट कर लिया हमने। अब इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह अंदर की तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह रखेंगे और यहाँ से इस तरह रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह मोड़ते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए जो चारों तरफ हमने वन वन इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसे इस तरह ऊपर की तरह फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा ली है पूरे में। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक सिलाई यहाँ से जहाँ पे हमने जोड़ लगाया है इस तरह से पूरी लंबाई में लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे इसमें और एक सिलाई इस जोड़ में पूरी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से सेंटर में लगा लेंगे जिससे ये कपड़ा इसमें फिक्स हो जाए, इस तरह से अलग से ना हो। देखिए हमने एक इसमें जोड़ में पूरे नीचे तक सिलाई लगा ली है, यहाँ से भी एक लंबी सिलाई लगा ली नीचे तक और एक सेंटर में सिलाई लगा ली है। इस तरह इसका कपड़ा हिलेगा नहीं, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह। अब इसे एक साइड रखते हैं। अब देखिए कोई सी भी कलर की ऊन ले लेंगे इस तरह से, छोटी सी नोटबुक लेंगे इस तरह से, इसमें इस तरह से ऊन को लपेटेंगे। इसे लपेट लिया है, अब इसे कट कर लेंगे। इसे बिल्कुल सेंटर से इस तरह बांध देंगे, बिल्कुल सेंटर से बांध देंगे इस तरह से। देखिए सेंटर से बांध दिया इसे हमने, अब एक नॉट और लगा देंगे। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, मेरे पास कुछ मोती हैं, इसमें से एक बड़ा सा मोती लेंगे, इसके सेंटर में इस तरह डालेंगे। इसे चारों तरफ से कवर कर लेंगे मोती को, एक लंबा सा ऊन का टुकड़ा लेंगे इस तरह से, इसे यहाँ से बांध देंगे इस तरह से, टाइट से बांध लेंगे। जो धागे इन्हें भी इस तरह ले लेंगे, तीन चार बार नॉट लगा लेंगे टाइट से, देखिए इस तरह से। अब इसे बराबर कट कर लेंगे। इसी तरह की एक लटकन और तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से दो लटकन तैयार कर लिए हमने। इसे लेंगे, एक सुई धागा लेंगे, इसे ऊन में से निकाल लेंगे, बिल्कुल सेंटर में निकालेंगे इस तरह। अब एक वाइट मोती लेंगे, एक गोल्डन मोती लेंगे इस तरह से, एक इस तरह से ये पाइप लेंगे और उसे यहाँ पे सिलाई से जोड़ देंगे, इसे लेंगे इसे अच्छी तरह पक्का कर लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी दूसरी साइड में भी इस तरह लगा लेंगे। देखिए इस तरह भी हमने लटकन लगा ली, देखिए इस तरह से हमारा टेबल मैट बिल्कुल रेडी है। इसे आप फ्लोर मैट की तरह यूज कर सकते हैं, टेबल मैट की तरह यूज कर सकते हैं और बेड साइड रनर की तरह यूज कर सकते हैं।